हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों चीजों में फर्क क्या है। वेरी वेरी बेसिक, लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे एक फुटबॉल देख रहे हो, मेरे पास एक फुटबॉल है, तो अगर मैं ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल वैसे ही रेस्ट पे रखी हुई है, तो अगर मैं इस फुटबॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाऊं, ठीक है, आप एक चीज बस ध्यान रखना, ये वाला, ये काले वाला और ये, ठीक है, आप इन तीन चीजों की तरफ ध्यान रखना, 1 2 3। तो अगर मैं इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाऊं किसी तरीके से, ठीक है, ये वाली फोर्स लग गई तो फुटबॉल आगे जाएगी, ठीक है। खैर 1 2 3 तो वहीं रह गया, लेकिन अगर आप देखो कि ये वाइट वाला 1 ये वहीं पे है, 2 वाला वहीं पे है, 3 वाला वहीं पे है। वहीं पे होने का क्या मतलब है? देखो, फुटबॉल ने अपनी पोजीशन तो चेंज की है, लेकिन फुटबॉल ने अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं की। फुटबॉल के जो पार्टिकल्स थे या फुटबॉल की जो बाहर वाले जो शेप थी या बाहर वाले जो चीजें थी, वो जहां पे पहले थी वहीं पे अब भी हैं। मतलब फुटबॉल ने अपनी ओरिएंटेशन चेंज ना करके सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है। ऐसी मोशंस में जहां कोई भी बॉडी अपनी सिर्फ पोजीशन चेंज करती है लेकिन अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करती, ऐसी मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। नाउ, अब मेरे पास एक यहां पे एक सीडी है, तो ये जो आप सेंटर पे चीज देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं पिवट। तो पिवट का मतलब होता है यहां पे जो सीडी है वो फिक्स्ड है, मतलब सीडी इसके अबाउट घूम सकती है, इसके अबाउट घूमेगी, ये सेंटर जो ओ है इसके अबाउट सीडी घूमेगी। ठीक है, अब अगर मैं सीडी के एक बिल्कुल टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं कोने पे यहां पे, ठीक है, तो सीडी विल रोटेट लाइक दिस। अब क्योंकि सीडी अपनी सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज कर रही है पर सीडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मतलब सीडी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे नहीं जा रही, सिर्फ वही फिक्स जगह पे घूम रही है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।